जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ है। देश का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा बचा हो जहां से मौत की खबरें ना आ रही हों। हालत इतनी भयावह है कि ना ही लोगों को अस्पतालों में बेड मिल पा रहे हैं, ना ही पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन। आलम यह है कि ऑक्सीजन की इतनी किल्लत हो गई है कि लोगों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो रही है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि बाकी देश हमारी मदद के लिए कैसे सामने आते हैं और कौन से ऐसे देश हैं जो मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं। इन सभी जानकारियों के साथ मैं अमृत रश्मि स्वागत करती हूं आपका इंडिया न्यूज नेशनल में। हम इस वीडियो में आगे आपको इसी बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत एक ऐसा देश है जो अपने पड़ोसी देशों की हमेशा से मदद करता आया है। जब भारत में कोरोना वैक्सीन का निर्माण हुआ था तो प्रधानमंत्री ने कई देशों को फ्री में वैक्सीन दी थी। तो ये जानना दिलचस्प हो जाता है कि ऐसे क्राइसिस के समय में कौन कौन से देश हैं जो भारत की मदद करने के लिए सामने आते हैं। भारत की मदद के लिए अमेरिका ने भी हाथ बढ़ाया है। रविवार को सुबह न्यूयॉर्क से भारत के लिए 300 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे गए हैं। कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कार्गो 5 टन यानी कि 5,000 किलोमीटर ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर रवाना हो चुका है, जो सोमवार दोपहर तक दिल्ली पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि कंसंट्रेटर एक ऐसा उपकरण है जो हवा में ऑक्सीजन बनाता है। वहीं कनाडा के विदेश मंत्री ने भी कहा है कि हमारी सोच भारत के लोगों के साथ है, क्योंकि वे महामारी की विनाशकारी नई लहर का सामना कर रहे हैं। कनाडा भारतीय अधिकारियों तक ये निर्धारित करने के लिए पहुंचा है कि जरूरत के इस समय में हम किस तरह से भारत की मदद कर सकते हैं। अंत में मैं हमारी टीम इंडिया न्यूज नेशनल की तरफ से आपसे यही कहना चाहूंगी कि मास्क पहने, अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का यूज करें और अगर ज्यादा जरूरत हो तो ही घर से बाहर जाएं। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारा चैनल इंडिया न्यूज़ नेशनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।